आइए सीधे हम आपको मुंबई लिए चलते हैं, संजय राउत के घर। ईडी का छापा, वहां ईडी के ऑफिसर अंदर हैं और बाहर हमारे संवाददाता दिव्येश मौजूद है। दिव्येश, क्या संजय राउत गिरफ्तार होंगे? जी, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है देखकर ऐसा लग रहा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी भी हो सकती है, पर अभी तक कोई भी ऐसा एक्शन लिया नहीं गया है, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया है। आपको बता दें कि अगर उदाहरण देना चाहें, नवाब मलिक जिन पर केस चल रहा था दाऊद इब्राहिम मामले में, और उन्हें भी उनके घर सवेरे 7 बजे ईडी की टीम पहुंची थी, उसके बाद उन्हें ईडी के दफ्तर ले जाया गया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई, जहां पर वो उन्होंने कॉपरेट नहीं किया, सहयोग नहीं किया, उसके बाद कुछ ही घंटों में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। अभी ईडी की टीम 8 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, अभी भी संजय राउत के घर पर है, उनसे पूछताछ कर रही है, कुछ कागज कुछ डॉक्यूमेंट्स भी खंगाले जा रहे हैं, उन्हें भी चेक किया जा रहा है। इसके बाद अगर ईडी की टीम को ऐसा लगता है कि संजय राउत को फिर भी दफ्तर ले जाना है और उनका स्टेटमेंट वहां पर रिकॉर्ड करना है, अगर संजय राउत सहयोग करते हैं तो ईडी का एक्शन नहीं होगा, पर अगर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसे प्रोविजनली अटैच कर चुकी है ईडी अप्रैल के महीने में। सही दिव्येश, क्या इस तरह से होता है कि ईडी घर आकर छापा मारे, पूछताछ करे और वहां से साथ में जिस पर आरोप है उसे ले भी जाए? आमतौर पर क्या ये प्रैक्टिस हम ईडी की देखते हैं? जी, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया नवाब मलिक पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, महाराष्ट्र के मंत्री थे, उनको उनके घर भी ईडी की टीम पहुंची थी, उन्हें साथ में ले जाया गया ईडी के दफ्तर और फिर बाद में उन्हें ईडी के दफ्तर में अरेस्ट किया गया। इसके अलावा अन्य लोग भी हैं जिन्हें जिन पर कार्रवाई हुई है, जिनके घर ईडी की टीम पहुंची है, उन्हें ईडी के दफ्तर लाया गया और उन्हें अरेस्ट किया गया है। ऐसे अन्य भी कुछ केसेस में हुआ है। जनरली जो केसेस में हम देखते हैं वो ऐसा होता है कि ईडी समन्स भेजती है और समन्स पर ना आने पर, समन्स भेजने के बाद जब कोई व्यक्ति नहीं आता है, नहीं हाजिर होता है, तब ईडी की टीम उनके घर जाती है, और यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि संजय राउत को 20 जुलाई और 27 जुलाई को समन किया गया था, दोनों ही दिन वो नहीं आए, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, मैं 7 अगस्त तक नहीं आ सकता हूँ, उन्होंने अपने वकील द्वारा खत भेजकर ये कम्युनिकेट किया था, पर अब जब वो नहीं आए 2 समन्स भेजने के बाद, तब जाकर आज ईडी की टीम उनके घर सवेरे 7 बजे पहुंची है। अभी भी ईडी की टीम अंदर मौजूद है, संजय राउत भी अंदर मौजूद है, हो सकता है कि ईडी की टीम उन्हें साथ ले जाए ईडी के दफ्तर। ठीक है।